ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ICN न्यूज़, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। एक और जहां स्वच्छ भारत अभियान और भारत सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वच्छता, जल संरक्षण तथा जल संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर इछावर का एकमात्र तालाब अपेक्षा का शिकार है। विगत वर्ष SDM इछावर के नेतृत्व में जनभागीदारी एवं प्रशासनिक सहयोग से इछावर नगर के तालाब का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया गया था, जिसके अंतर्गत तालाब की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था, किंतु जनता की लापरवाही और नगरीय प्रशासन की अपेक्षा का शिकार इछावर तालाब बनता जा रहा है। हाल ही में क्षेत्र विधायक की उपस्थिति में तालाब के किनारे वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया था, साथ ही वृक्षों की सुरक्षा के लिए परिषद के द्वारा टी गार्ड भी लगाए गए थे, लेकिन देखते ही देखते पौधे से टी गार्ड ओझल हो गए। जगह जगह के किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक और जन जागरूकता की कमी है, जनता की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। लोग जानबूझकर कचरा तालाब में डालते हैं, साथ ही साथ कुछ लोग जानबूझकर तालाब में शौच के लिए भी जाते हैं, जो कि गंदगी और प्रदूषण को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार संस्था नगर परिषद की ओर से ऐसे लोगों पर ना कोई कार्रवाई की गई है, ना ही तालाब की सफाई और सुरक्षा की कोई मुस्तैदी व्यवस्थाएँ हैं। अब इस संबंध में ICN ने जब नगर परिषद CMO से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा और अतिशीघ्र तालाब की साफ सफाई और टी गार्ड की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। विस्तार से देखिए ICN न्यूज़। ICN न्यूज़ के लिए कैमरामैन मोहित वर्मा के साथ सीनियर जर्नलिस्ट परवेश खान की रिपोर्ट। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।